हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंफोसिस लिमिटेड की बात करते हैं। दिग्गज स्टॉक का रिजल्ट आना था 14/7/2021 को। इसका रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या रहा है, उसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। इंफोसिस लिमिटेड ने पहली तिमाही का जो रिजल्ट पेश किया है उसको चेक करते हैं। और देखिए, ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं और करोड़ में नंबर्स हैं। आपकी बार का कॉलम ये है, 30 जून का कॉलम ये है और एक साल पहले 30 जून का ये कॉलम है और मार्च 31, 2021 का ये कॉलम है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखते हैं तो 27,896 करोड़ का रेवेन्यू है, 27,896 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और पिछली बार था 23,665 करोड़ का था दोस्तों। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं 26,311 करोड़ का। तो दोनों में देखते हैं तो एक तरह से रेवेन्यू जो है बढ़ के आया है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी, और पिछले साल के अनुसार तो काफ़ी अच्छा जंप किया है। अब अदर इनकम को प्लस करते हैं और टोटल इनकम को देखते हैं तो 28,518 करोड़ का है और पिछले साल था 24,140 करोड़ का, यानी अच्छा खासा एक जंप हुआ है। टोटल इनकम देखिए 26,856 करोड़ का Q4 में था दोस्तों, मार्च 31, 2021 में। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है इन्फोसिस का इस क्वार्टर में। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस देख लेते हैं। देखिए, ये एक्सपेंसेस का कॉलम है और टोटल एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान देते हैं। ये है टोटल एक्सपेंसेस में देखते हैं तो 21,342 करोड़ का एक्सपेंसेस है, पिछले साल था 18,348 करोड़ और Q4 में था 19,921 करोड़ का। देखिए, टोटल इनकम इस क्वार्टर में पहली तिमाही में 28,518 करोड़ का हुआ है और एक्सपेंसेस जो किया 21,342 करोड़ का, यानी एक अच्छा प्रॉफिट आया है इन्फोसिस का। और यानी मीन्स एक अच्छा प्रॉफिट आया है इन्फोसिस का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट जो रहा है अब की क्वार्टर में 5,201 करोड़ का, 5,201 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। पिछली बार था 4,272 करोड़ और क्वार्टर में 5,078 करोड़, 5,078 करोड़ का था दोस्तों। तो प्रॉफिट भी एक तरह से जबरदस्त प्रॉफिट आया है इन्फोसिस ने, जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। ईपीएस के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 12.24 का है अब की बार, पिछली बार था 9.98 का और मार्च में था 11.96 का। तो एक धमाकेदार रिजल्ट पेश किया है इन्फोसिस ने और बायबैक तो हो ही रहा है 1750 में, बेहतरीन एक रिजल्ट आया है। तो आज के ट्रेड की बात करते हैं और इन्फोसिस वैसे ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है और देखिए आज का जो ट्रेड रहा है 1553 रुपये में ओपन हुआ है, 1582.50 रुपया हाई किया है, लो बनाया है 1538.25 रुपये और क्लोजिंग है 1576.90 रुपये। यानी मीन्स देखिए, अपने हाई के आसपास से एक तरह से क्लोजिंग आई है और रिजल्ट जो है बेहतरीन रिजल्ट आया है और जो इसका टॉप है एक तरह से 1591 रुपया है दोस्तों। तो इसको ब्रेक करता है तो लगभग मान के चलिए यहाँ से 1627 और 1630 तक जाता हुआ दिख सकता है और एक अच्छा जंप आ सकता है। देखिए, और एक अच्छा जंप आ सकता है, बट ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। तो सपोर्ट अगर कोई देखना चाहता है तो देखिए, इसका जो सपोर्ट रहेगा लगभग 1536.30 रुपये के आसपास रहेगा। अगर इसके नीचे अगर आएगा तब फिर इसमें थोड़ा सा एक डाउनफॉल हो सकता है। और आगे आने वाले दिनों में किसी भी कारणवश अगर इन्फोसिस नीचे की तरफ दिखता है तो वो एक तरह से बाय का अवसर होना चाहिए दोस्तों। इनके पास इन्फोसिस नहीं है या टीसीएस नहीं है तो इन ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। स्टॉक जो है अब ट्रेंड में है, कोई भी गिरावट होती है तो एक तरह से वो अवसर होना चाहिए। और आरएसआई का जो इंडिकेटर है दोस्तों, एक तरह से देखिए ये 66 के आसपास है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली हो सकती है जो आरएसआई के अनुसार ट्रेड करते हैं, चार्ट के अनुसार ट्रेड करते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मुनाफा वसूली भी आती हुई दिख सकती है। किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट हो, नीचे के लेवल पे आए, तो वो एक बाय का मौका होगा। और जो लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं दोस्तों, डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में इसकी बात आने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट है उसका अपडेट था दोस्तों। यूट्यूब चैनल इंडिया रियल सिंह के स्टॉक्स पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।